Hello friends, welcome DogBreeds. DogBreeds is the dog lover's best channel. एक और मास्टिफ प्रकार कुत्ते नस्ल गद्दी हिमालयी क्षेत्र में उसी नाम के एक जनजाति द्वारा विकसित किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में गद्दी तेंदुए और अन्य शिकारियों के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक भयंकर गार्ड कुत्ते होने के लिए प्रतिष्ठित हो गए हैं। साथ ही उन्हें कुत्तों को भी कुत्तों के लिए पर्याप्त बुद्धिमान माना जाता है। भारतीय मास्टिफ के विरोध में गद्दी कुत्ता को एक लड़का कुत्ता नहीं माना जाता है। दक्षिण भारत से एक और शौक कोम्बाई। कोम्बाई 9वीं शताब्दी के आरंभ से सुअर, बायसन और हिरण का शिकार करने के लिए पैदा हुआ था। राजपलायम की तुलना में कोम्बाई में आमतौर पर एक काला थूथन के साथ एक तनकोट होता है। जबड़े व्यापक और बहुत मजबूत होते हैं। हाल के दिनों में यह नस्ल अत्यधिक लुप्त प्राय है और कुछ क्षेत्रों और कुछ विशेष केनेल में कमी में पाया जा सकता है। सूची में अधिक लोकप्रिय नामों में से एक रामपुर ग्रेहाउंड वैकल्पिक नाम उत्तरी भारत के रामपुर क्षेत्र के मूल निवासी है, जो दिल्ली और बरेली के बीच स्थित है। यह इस क्षेत्र के महाराजाओं द्वारा बड़े खेल की तलाश करने और जैकल्स, शेरों, बाघों, तेंदुए और पैंथर्स जैसे भयंकर जानवरों के खिलाफ रक्षा करने के लिए एक पसंदीदा नस्ल थी। रामपुर हाउंड अपने धीरज के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसे बड़ी गति से बड़ी दूरी को कवर करने के लिए बनाया गया था। पुली कुत्ता के रूप में भी जाना जाता है। यह कुत्ता भारत और पाकिस्तान दोनों से मूल रूप से साझा करता है और मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र में पाया जाता है। गार्ड गार्ड के लिए वे सबसे आम पसंद है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से कई कुत्ते अभी भी कुत्ते के लड़ने के उद्देश्यों के लिए पैदा हुए हैं और पोषित हैं। इस नस्ल को विभिन्न संस्कृतियों और समूहों के विभिन्न नामों से जाना जाता है। डेक्कन पठार क्षेत्र के आसपास गांव लोग द्वारा करवानी के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर इस नस्ल को शिकार और रखरखाव के लिए साथी के रूप में अपनाते हैं। केसीआई केनिल क्लब ऑफ इंडिया इस नस्ल को कारवा हाउंड के रूप में मान्यता देता है, जबकि आईएनकेसी इंडियन नेशनल केनिल क्लब मुधोल हाउंड नाम का विकल्प चुनता है उसमें जोड़ने के लिए। इस नस्ल की पंख वाली किस्म को पश्मी के नाम से जाना जाता है। एक कुत्ते के बारे में बात करें, कई व्यक्तित्व हमारे लिए ज्ञात कुत्ते की सबसे प्राचीन और प्राचीन नस्ल जो भारत से संबंधित है, यह भारतीय पर्याह है, डिंगों के रिश्तेदार। इस नस्ल में आनुवंशिक ट्वीकिंग या मानव पक्ष से संशोधन का कोई निशान नहीं है। इसके कारण वे बेसेंजी अफ्रीकन डिंगों ऑस्ट्रेलिया और डिंगों ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जैसे दुनिया भर के विभिन्न अन्य प्राइमेटिव पारिया प्रकार के कुत्तों के साथ एक उपस्थिति साझा करते हैं।